वो है ऑयल एंड गैस। एक तरफ तो रिफाइनिंग स्टॉक्स में एक नई स्फूर्ति देखने को मिल रही है क्योंकि रुपी स्ट्रांग हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, रिफाइनिंग मार्जिन बढ़े हैं। वहीं गैस स्टॉक्स में भी कुछ कुछ पॉलिसी लेवल पे चेंजेस हो रहे थे। पूरे स्पेस से बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर सुराना जुड़ रहे हैं, HPCL के फॉर्मर CMD और स्पेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सुराना साहब, गुड मॉर्निंग। गुड सबसे मॉर्निंग। पहले ये जो क्रूड ऑयल के भाव नीचे आए हैं और रुपीज स्ट्रेंदन हुआ है, आपके हिसाब से, आपके अनुमान से और हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन है, ये कितना बड़ा फायदा है ऑयल मार्केटिंग पैक के लिए जो काफी दिनों से दबाव में थे? गुड मॉर्निंग। जैसे पिछले आपने बताया थोड़ी देर पहले, और जैसा हम सब लोग देख रहे हैं, थोड़े दिनों से ऑयल प्राइस काफी ऊपर नीचे चलती रही, $130 तक गई, बीच में नीचे भी आई, और अभी पहली बार हम काफी दिनों के बाद देख रहे हैं कि ये कुछ 80-85 करीब आई है। तो बहुत सारे इश्यूज थे और बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण ऑयल प्राइस ऊपर नीचे गई, लेकिन आज की तारीख में ऑयल प्राइस का जो नरेशन है वो मेरे ख्याल से तीन चीजों से गाइड हो रहा है। एक ये है कि जो रशियन ऑयल है उसमें कैप होनी चाहिए या नहीं, स्पेशली यूरोप और यूरोपियन यूनियन और G7 का जो डिस्कशन चालू है, और उसमें जो मेरीटाइम सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी जो यूरोप वगैरह से डोमिनेटेड है वो उससे बिजनेस कर पाएंगे ना कर पाएंगे, वो एक इशू है। दूसरा, चाइना की जो डिमांड है, स्पेशली जब अभी वहां पर कोरोना के कुछ ज्यादा केसेस नजर आए हैं उसके कारण चाइना की डिमांड में थोड़ी तकलीफ है। और तीसरा ये है कि जो ओपेक प्लस जो ब्लॉक है वो कह रहे हैं कि वेदर दे विल कंसिडर कि क्रूड प्रोडक्शन में थोड़ा और कट होना चाहिए। सो मेरे ख्याल से आज की तारीख में डिमांड ड्रिवन ये नरेशन है रादर देन सप्लाई ड्रिवन आज की तारीख में, क्योंकि जो प्राइस कैप है उस पर अभी सहमति इनकी बन नहीं पाई है, और वैसे भी जो प्राइस कैप की बात हो रही है रशियन ऑयल ऑलमोस्ट उसी रेट पर ही इंडिया में आ पाता है, उराल ग्रेड स्पेशली। सो मुझे मेरे ख्याल से यदि ये प्राइस कैप रहती तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं रहना चाहिए। ओपेक ब्लॉक मेरे ख्याल से $80 की अपनी फ्लोर प्राइस को शायद प्रोटेक्ट करना चाहे, तो यदि प्राइस उससे नीचे आती है तो वो थोड़ा प्रोडक्शन कट लेने की कोशिश करे, या जो 2 मिलियन बैरल्स पर डे का उन्होंने प्रोडक्शन कट अनाउंस किया था नवंबर दिसंबर के लिए, उसी को थोड़ा और रोल ओवर कर ले जनवरी तरह। इन सब को देखते हुए मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल प्राइस 80 से 90 के बीच में रहने चाहिए। यदि क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे रहती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को डेफिनेटली इससे थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिन से जो डोमेस्टिक प्राइसेस थी प्रोडक्ट्स की वो इंटरनेशनल प्राइस से थोड़ी अलाइन नहीं थी, जिसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बॉटम लाइन में भी इम्पैक्ट देखे गए पिछले 2 क्वार्टर में। अभी क्रूड प्राइस थोड़ी सॉफ्टन है, क्रैक्स भी थोड़े कम हुए हैं, जो गैस ऑयल के क्रैक या डीजल के करीब जो $70 तक पहुंच गए थे वो भी 40 के करीब आ गए हैं, पेट्रोल के भी जो 25-30 चल रहे थे वो भी करीब 11 के करीब आ गए, डीजल के करीब अभी भी ज्यादा है उसमें थोड़ी कम होने की जरूरत है, डॉलर भी ज्यादा था वो थोड़ा मॉडरेट हो रहा है। तो यदि क्रूड प्राइस और प्रोडक्ट प्राइस कम होती है तो इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को थोड़ी राहत मिलेगी, और गवर्नमेंट को भी ये प्राइसेस को इंटरनेशनल प्राइस से अलाइन करके रखने में ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है सुराना साहब, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला, एक तो रशियन जो क्रूड है अब तो भारत भी उसको इम्पोर्ट कर रहा है, और खबर ये भी है कि उसका भी बड़ा हिस्सा है अब तो इम्पोर्ट करने में। ये कितना डिस्टर्बिंग फैक्टर है प्राइस को ऊपर नीचे होने में? और दूसरा, चाइना के स्लो डाउन को जो चर्चा चल रही है जिसकी वजह से बता रहे हैं क्रूड थोड़ा नीचे आया हुआ है, ये कितना बड़ा कंसर्न है? मेरे ख्याल से आज की तारीख क्रूड प्राइस में दोनों ही फैक्टर हो चुके हैं। चाइना की डिमांड में यदि करंट जो है वो कोविड सर्ज है उसको देखें तो लास्ट 2-3 दिन में उसके कारण ऑलरेडी करीब 5-6% की गिरावट देखी गई है, और अभी फिर से वहां के जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो उसमें उनकी यूरोप कोविड पॉलिसी में थोड़ा रिलैक्सेशन होगा नहीं होगा, उस न्यूज के बेसिस पे आज थोड़ी इसमें फिर से उछाल आई है। So, मेरे ख्याल से वो फैक्टर थोड़ा ऑलरेडी आ चुका है, एक जनरल रिसेशन का फैक्टर भी फैक्टरिंग हो चुका है, और जो रशियन ग्रेड से मुझे लगता है कि जो डिस्कशन चालू है कैप वगैरह का, यदि 65-70 की कैप रहती है तो उस रेट पे इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो पहले सोच रहे थे कि ये यदि यूरोपियन यूनियन का कैप आता है प्राइस पे, सो अराउंड 1 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्ट सप्लाई में इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो भी अभी काफी नीचे लोगों ने ला दिया है कि शायद उतना बड़ा इम्पेक्ट ना हो,
सो मुझे लगता है कि ये फैक्टर ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं और 80 से 90 डॉलर की रेंज ही मुझे लग रही है कि, और बहुत बड़ा क्रूड शॉक आने के चांसेस अभी कम लग रहे हैं कंपेयर टू जो थोड़े दिन पहले लग रहे थे। एक और चीज़ मिस्टर सुराना, क्योंकि विंडफॉल टैक्स इन जितने भी ऑयल रिफाइनर्स हैं उन पर लग रहा था जब उन्हें फायदा हो रहा था, जब क्रूड के दाम गिर गए तो आपको लगता है कि विंडफॉल टैक्स शायद पूरी तरह रोल बैक कर लिया जाए? देखिए, विंडफॉल टैक्स इसीलिए आया था कि एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट यदि रिफाइनरीज को हो रहा है, तो जब वो प्रॉफिट ना होगा तो मेरे ख्याल से उसके लिए तो कैसे ही कि वो विंडफॉल टैक्स को हटेगा। और विंडफॉल टैक्स एनी वे इट द टेम्पररी मेजर्स देयर, विंडफॉल टैक्सेस आर नेवर द परमानेंट मेजर्स ऑफ टैक्सेस, तो ये कभी ना कभी तो इसमें रोल बैक होना ही है डिपेंडिंग ऑन हाउ द थिंग मूव्स। लेकिन अभी भी क्योंकि डीजल के क्रेक ज्यादा है और TRNs भी करीब 10 डॉलर करीब चल रहे हैं, इसलिए ये धीरे धीरे ही रोल बैक हो पाएगा। और मार्केट प्राइजेस भी अभी पूरी तरह अलाइन नहीं हुई है, और जब तक इंटरनेशनल प्राइजेस डोमेस्टिक प्राइसेस से ज्यादा रहेंगे देयर विल बी ए मोटिवेशन टू एक्सपोर्ट अदरवाइज, सो उसके लिए विंडफॉल टैक्स एक डेटरेंट की तरह काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राणा आज समय देने के लिए और ये सारा एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए बाजार पर